मित्र ने पूछा है, आंतरिक रूपांतरण के संबंध में किसी ने मुझसे एक बार कहा था कि यदि तुम में विवेकानंद जैसी प्यास होगी तो वो स्वतः ही घट जाएगा, लेकिन मैं उन जैसी प्यास कहां से लाऊं? कहने वाला व्यक्ति निश्चित ही नशे में रहा होगा, निश्चित ही वो होश में नहीं रहा होगा। एक विवेकानंद काफी है, निश्चित ही तुम विवेकानंद नहीं हो सकते, तुम अपने ही जैसे हो सकते हो। और तुम्हें विवेकानंद जैसी प्यास लाने की आवश्यकता क्या है? तुम्हारी प्यास तुम्हारी अपनी होगी, प्यास की भी क्या तुलना? जब किसी को कोई प्यास लगती है वो मूलभूत होती है, अपनी ही होती है, मौलिक होती है। और तुम कैसे जानो कि विवेकानंद को कैसी प्यास थी? कहने वाला कैसे जान सकता है कि विवेकानंद को कैसी प्यास थी, थी भी या नहीं थी? हम कुछ नहीं जानते, हमें उस संदर्भ में जाने की आवश्यकता भी नहीं। ये बात अपने से दूर जाने की है, एक चालाकी है। जब तुम दूसरों के बारे में सोचना प्रारंभ करते हो, चाहे वो दूसरे अनंत पथ के प्यारे मित्र ही क्यों न हो, तुम वस्तुतः अपने से बचने का उपाय ढूंढ रहे हो। तुम्हें वस्तुतः अपने जैसा होना है, तुम्हें किसी दूसरे के बारे में चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं। यहां जो मैं बात कह रहा हूं वो एक इशारा है, मेरा होना भी एक इशारा है। तुम मेरे जैसे नहीं हो सकते, किसी को मेरे जैसा होने का प्रयास नहीं करना है। और हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है, अनूठा है, यही उसे साधारण बनाता है, उसे विशिष्ट नहीं बनाता, उसे निर्भर बनाता है कि तुम्हारे जैसा आज के पहले कोई नहीं था और आज के बाद कोई नहीं होगा। तुम्हारा होना, तुम्हारी परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। इसीलिए जब अंतर यात्रा पर कोई चलता है तो उसे बना बनाया मार्ग नहीं मिलता, उसे गढ़ना पड़ता है। आंतरिक रूपांतरण की चर्चा इसलिए ही कर रहा हूं कि तुम उस सारभूत प्रक्रिया को समझो, तुम उस कीमिया को समझो जो तुम्हें रास्ता देता है। मैं तुम्हें कोई रास्ता नहीं दे रहा हूं, तुम्हें कोई भी रास्ता नहीं दे सकता, और तुम्हें कोई भी रास्ता दिया जाना भी नहीं चाहिए, अन्यथा तुम भटक जाओगे। तुम्हारा रास्ता तुम्हारे चलने से निर्मित होता है। बहुत से लोग हैं जो बहुत से रास्तों की जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, बहुत से रास्तों की बात कर लेते हैं, लेकिन चलना नहीं घटता। और यदि चलना नहीं घट रहा है तो तुम्हारी पूरी जानकारी व्यर्थ है। फिर अगर तुम चल रहे हो तो तुम्हें रास्ते की जानकारी है या नहीं है, ये बात दीगर है। तुम्हारे भीतर की प्रामाणिक प्यास तुम्हारे लिए रास्ता निर्मित कर देती है। तुम एक जंगल में खो गए हो, तुम्हें घर वापस लौटना है, तुम्हें रास्ते का कोई पता नहीं, पर तुम थक हार कर बैठ नहीं जाते। तुम किधर भी दौड़ते हो, तुम किधर भी जाते हो, तुम्हारे उसे जाने में जो प्रारंभ में तुम्हें भटकाव जैसा भी लगता है, धीरे धीरे वही तुम्हें रास्ता देने लगता है। धीरे धीरे रास्ता स्पष्ट होने लगता है। तुम हमेशा के लिए जंगल में खोए नहीं रह सकते। अगर तुम्हारे भीतर एक अभीप्सा जाग चुकी है वापस लौटने की, तो रास्ता मिलेगा। इसी तरह जब किसी व्यक्ति के भीतर आंतरिक रूपांतरण के लिए प्रामाणिक प्यास जाग जाती है, उसे किसी भी रास्ते की आवश्यकता नहीं है, वो रास्ता ढूंढ ही लेगा। उसे केवल सारभूत प्रक्रिया को समझना है। आंतरिक रूपांतरण के सूत्र तुम्हें उसी आंतरिक प्रक्रिया को बताने के लिए हैं कि तुम्हें क्या मार्ग में आवश्यक होगा। ये मार्ग का चिंतन नहीं है, मार्ग के विषय में निर्देश देना तुम्हें मार्ग से हटा देना है, मार्ग से च्युत कर देना है। तुमने देखा
किसी नदी को किसी दिशा निर्देश का पालन करते हुए, और कभी देखा कि कोई नदी सागर तक ना पहुंचती हो? एक नदी नियमों से नहीं चलती, वो नक्शों से नहीं चलती, वो अपने प्रवाह से चलती है, अपनी तीव्रता से चलती है, अपनी त्वरा से चलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में पूरी सुनिश्चितता की मांग करते हैं, कि पहले कदम पर ही वो पूरे निश्चित हो जाना चाहते हैं कि सीधा साफ सुलझा हुआ मार्ग उन्हें दे दिया जाए, और जब उन्हें सुलझा हुआ साफ सुथरा मार्ग दे दिया जाता है वो उस पर कभी नहीं चलते। वो जीवन भर बैठकर सोचते हैं कि चलो अब मार्ग तो मिल गया है, किसी दिन चलेंगे। धार्मिक लोगों की ओर देखो, उन्हें मार्ग का पता नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी लोगों को मार्ग का पता है, बस नहीं है तो प्रामाणिक प्यास नहीं है, उनके भीतर ऐसी तड़प नहीं है जो उन्हें धक्का दे सके। और जब ये तड़प है तो तुम्हें सुनिश्चितता और स्पष्टता की आवश्यकता ही नहीं है। तुम थोड़े बहुत भटक सकते हो, लेकिन तुम इस भटकाव में भी अपने मार्ग पर ही होते हो। जिसे कहीं जाना नहीं, सजग होकर देखें, वो सुनिश्चित मार्ग पर भी भटका हुआ है, और जिसे कहीं जाना है, जिसके भीतर कामना निर्मित हो गई है, जिसके भीतर पुकार आ गई है, अदृश्य की पुकार, अनंत पथ की पुकार उतर आई है, बेचैनी जिसके रोम रोम को स्पंदित कर रही है, वो दीवार के सामने भी हो, चट्टान के सामने भी हो, गहरे अंधेरे में भी हो, वो भटका हुआ नहीं है। वो इधर उधर धक्के मारता हुआ अपना मार्ग निकाल लेगा। ये ऐसे ही होता है कि एक बहती हुई नदी आ रही हो और उसके मार्ग में कोई चट्टान आ जाए। मार्ग की चट्टान उस नदी को बहुत देर तक रोक के नहीं रख सकती, देर सवेर वो उसे तोड़ देगी। वो उसके अगल बगल से या उसके ऊपर से या नीचे से कहीं से भी अपना मार्ग बना लेगी। जीवन में रूपांतरण नहीं घट रहा है तो इसलिए नहीं घट रहा है कि तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें मार्ग नहीं उपलब्ध है। ज्ञान के बोझ से तो सभी भारी हैं। मुझे आज तक कोई अज्ञानी व्यक्ति नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन मुझे जो मिला वो हमेशा ज्ञान के बोझ से भारी बोझिल व्यक्ति ही मिला। लेकिन उस ज्ञान ने कोई काम नहीं किया, उस ज्ञान ने कोई रूपांतरण नहीं किया। ये इसलिए नहीं हो सका क्योंकि तीव्रता की कमी थी, तड़प की कमी थी, प्यास लगी तो थी। कभी किसी कदम पर माना, लेकिन उसके साथ ही वो छद्म राह पर निकल गई, अपने अहम के रास्ते को भरने के लिए निकल गई। सारे धर्मों ने अहम से मुक्त होने की बात कही, वो इसलिए कि ये अहम ही है जो तुम्हारे सारे त्यागों को छद्म कर देता है, जो तुम्हारी सारी प्यास को झूठा बना देता है। ध्यान इस अहम से मुक्ति का उपाय है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अहम इस ध्यान को भी अपना उपाय बना सकता है और प्रायः बना लेता है। तुम्हें प्रतिक्षण जागे रहना है, प्रतिक्षण सतर्क रहना है, क्योंकि जीवन सीमित है, समय कम है। तुम सोए हुए नहीं रह सकते, तुम इस भांति नहीं जी सकते कि बहुत समय है। धीरे धीरे चलने से काम हो जाएगा, ऐसा मत सोचो। धीरे धीरे चलने से यात्रा संपन्न होने वाली नहीं है, तुम्हें तीव्रता लानी होगी। अपने हर क्षण में तुम्हें अपनी प्यास को जाग कर देखना होगा, झूठे आवरणों से मुक्त करना होगा जो तुमसे दूर ले जाने वाली दिशाओं में भटक गई है, वहां से तुम्हें वापस लाना होगा। और जीवन में इस बात का उपयोग इसलिए करना है ताकि तुम जाग सको, तुम और जीवंत हो सको।